अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और कुछ इस तरह से मेरा लिविंग रूम फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा आज मुझे सफाई करनी है, लिविंग रूम की सफाई करनी है और साथ ही साथ मैं सोफ़ा को भी क्लीन करूँगी। काफ़ी गंदगी हो गई है। रीज़न ये है, ये हमारा जो टीवी है ये वॉल पे हमने लगवाया है, तो ड्रिल वगैरह हुआ है तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट आए हैं सोफ़ा पे, तो मैं क्लीन कर लूँगी साथ में सोफ़ा को भी। और जो लगाने आए थे उनके लिए मैंने नाश्ता रखा था, तो टेबल जो था वो सेंटर टेबल वो बिजी था, उस पर ही टीवी रखा हुआ था, तो इस वजह से नाश्ता सोफ़ा पे रखा हुआ है। तो अभी बस काम जो है वो फिनिश करूँगी, और आज जो मेरा पूरा काम है वो लिविंग रूम को सेट करना ही है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टेबल जब आपका सोफ़ा का सेंटर टेबल जब नहीं रहता है तो बिल्कुल भी लुक नहीं देता है वैसा सोफ़ा का। तो मैंने बस आज इसको क्लीन करना है और टेबल को यूज़ पे लगाना है, क्योंकि टेबल जो था ना वो बिजी था, उस पे ही टीवी रखा हुआ था। आजकल आजकल हो रहा था कि टीवी को लगवाना है वॉल पे, लगवाना है वॉल पे, तो फाइनली आज ये काम भी कंप्लीट हो गया। तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था, तो बस पहले मैं नाश्ता अपना रेडी कर लूँ, नाश्ता कर लूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, उसके बाद ये सारे काम में मैं लग जाऊंगी। तो अभी बस मैं बनाने लगी हूँ पनीर ब्रेड सैंडविच, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज किया है। आप कोई सा भी नॉर्मल ब्रेड में बना सकते, मेरे पास है था तो मैंने इसलिए ब्राउन ब्रेड में बनाया है। तो एक साइड में मैंने मायो डाला है, दूसरे साइड में मैंने केचप। ये जो मैं मायोनीज यूज कर रही हूँ ना, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चिली फ्लेवर का है तो अलग सा टेस्ट लग रहा है, थोड़ा नॉर्मल से प्लेन जो मायो होता है उससे अलग टेस्ट है। तो जिस साइड में मैंने मायो डाला है उस टाइप पे मैं मोजरेला चीज डाल दे रही हूँ। आप कोई सा भी चीज यूज कर सकते हैं, स्लाइस वाला, प्लेन, कोई सा भी चीज। चीज डालने से जो होता है ना वो सैंडविच का टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो दूसरे साइड पे मैंने पनीर डाल दिया है। आप चिकन यूज कर सकते हैं, चिकन को सॉस के साथ थोड़ा सा फ्राई कर ले, उसके बाद वही चिकन को आप सैंडविच पे रख सकते हैं। और उसके बाद अपनी फेवरेट कोई से भी वेज, जस्ट लाइक टोमेटो हो गया, अनियन हो गया, लेटूस, ये सब डाल सकते हैं। मैंने बस ककुम्बर डाल दिया। उसके बाद मैं तवे पे दोनों साइड से और बस इसे टोस्ट कर लूंगी। ओवन पे भी आप बेक कर लेना, बट वो एक सैंडविच के लिए मुझे ओवन चलाना पड़ता है, तो मैंने बोला कि नहीं बस तवे पे ही रख के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस रेडी हो गया है मेरा सैंडविच और अब मैं इसे ही खा लूंगी। और चीज़ वगैरह डालने से टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और देखिए चीज़ जो है ना ऐसा मेल्ट हो जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। तो अभी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मेरा करंट फेवरेट पैनासोनिक का 1600 वॉट का वैक्यूम क्लीनर, जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर डस्ट कैपेसिटी है। और ये इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने 2 से 3 बार ही यूज़ किया है, लेकिन मुझे 3 बार यूज़ में मेरा फेवरेट हो गया है। तो इससे पहले भी मेरे पास वैक्यूम क्लीनर था एक पुराना वाला, बट मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैं आपको इसका यूज करके मैं दिखा दूंगी, क्लियर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से क्लीन करता है। तो इस सोफा पे बहुत ज्यादा डस्ट आया हुआ था, आपको खुद दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है ये टीवी के नीचे ही वाला सोफा है, तो इसी पे काफी ज्यादा इसी पे डस्ट आया है। और आप देखो कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है ये। तो मैंने कहा कि जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मैं बस इसका फीडबैक रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर आप अगर वैक्यूम क्लीनर का सोच रहे हो लेने का तो आप इसे ले सकते हो। ये अमेजन पे इजिली अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां से। तो अभी हम तीन, क्योंकि इनाया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी साफ कर रही है, तो हम तीन मिलकर सोफा वगैरह क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि एक वैक्यूम क्लीनर यूज करना मींस कमर में दर्द। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा सफाई है तो आपने तो आप और हस्बैंड मिलकर ही आप साफ करो तो ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम दोनों ही साफ कर रहे हैं अच्छे से, और काफी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि जब से हम इस फ्लैट पे आए थे तो हमने एक बार भी अच्छे से साफ नहीं किया, तो बहुत अच्छे से कर लिया, ताकि ईद के टाइम में क्या होगा कि बस ऐसे ही क्लीन कर लेंगे। तो अभी देखिए ये माशाल्लाह से अच्छा लुक दे रहा है, टेबल हमारा सेंटर में आ गया और अब ये लिविंग रूम जैसा लुक लग रहा है, बिकॉज बिना टेबल का लिविंग रूम ना एकदम इनकम्प्लीट सा लगता है। तो अब तो मैं अभी आई हूँ किचन में और अभी यहाँ पे करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो आज मैं लंच जो है वो बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। दाल चावल, चावल मैंने बना लिया, दाल चढ़ा हुआ है, और एक साइड में बना रही हूँ मटन अचारी गोश्त। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियां डाली हैं, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मटन। मटन मैंने 1/2 kg इसमें यूज किया है, आप क्वांटिटी कम बेसी कर सकते हैं।
और मैं अब इस ऑयल में मटन को फ्राई करूंगी। जब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका जो पानी है वो पूरा सूख ना जाए। तो जैसे ही पानी सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो छोटे चम्मच से 3 चम्मच डाला है, क्योंकि क्वांटिटी जितनी रहेगी उस हिसाब से। अगर आपने 1 kg में बनाना है तो आपको बड़े चम्मच से 2 चम्मच डालने हैं, और कम बनाना है तो क्वांटिटी। यहाँ पे मैं जो है वो पाउडर मसाले यूज़ कर रही हूँ, अचार के जो मसाले वो सब रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीरा और साथ में सौंफ, कलौंजी, मेथी, उसके बाद से पाउडर मसाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए एक ही साथ, और अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने 1 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद जो है इसमें मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स। तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये घर पे सुखाया है हरी मिर्च को और उसी का चिली फ्लेक्स बनाया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब इन सबको मुझे ना 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अच्छा, जितनी भी कुकिंग मैंने अभी तक की है वो सब मैंने मीडियम फ्लेम पे ही की है। तो अब मैं इसे जो है वो सारे मसाले को भूनूंगी। भूनने का जो तरीका है वो यही है कि जब तक ऑयल ना निकलना शुरू हो जाए तो तब तक आपने भूनना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो गया है, और यहाँ पे पूरा मसाला जो है वो मेरा अच्छे से भून चुका है। तो अब बस इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी पानी 1 गिलास, और उसके बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी। तो पूरा टोटल जो कुकिंग का टाइम होना है वो होगा 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं ढक के रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए, मैं ढक के रखूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद मैं और 15 मिनट्स पकाऊंगी, और 15 मिनट पकाने के बाद ये कंप्लीट बन जाएगा। तो तैयार हो गया है यहाँ पे मटन अचारी गोश्त, और काफी यम्मी सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी लगने वाली, क्योंकि जस्ट आपको अचार का फ्लेवर लगने वाला है स्पाइसी स्पाइसी सा। तो ये बकरीद स्पेशल डिश मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसे सर्व करें लेमन जूस के साथ तो बहुत ही यम्मी लगने वाली है। किचन में काम करते करते इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मैंने यहाँ पे बस सोचा कि आइसक्रीम मैं लेकर ही आई थी लुलू से, ये पैक मैंने उठा लिया था, तो मैंने सोचा बस आइसक्रीम खाकर थोड़ी सी राहत लानी है। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर है कि आइसक्रीम बस आपने निकालना है आइसक्रीम को फ्रिज से, और उसके बाद ये आइसक्रीम आइसक्रीम रहेगा ये नहीं, ये पूरा क्रीम सब बन जाता है, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो बस मैं इसे जल्दी जल्दी फिनिश करूंगी क्योंकि ये फिर पानी हो जाएगा बहुत जल्द। और यहाँ पे मैं ना लिस्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं किचन में एक डायरी और पेन रखती हूँ। मैं किचन के जितना भी सामान जो होता है वो खत्म होते रहता है, तो मैं लिस्ट बनाते रहती हूँ। और मैं यहाँ पे लिस्ट जो है वो बना रही हूँ ईद के लिए। ईद की जो भी मुझे सामान लाना था किचन से रिलेटेड, जो भी मुझे बनाना है, मैं उसका ये लिस्ट तैयार कर ले रही हूँ, ताकि मुझे ना जब मैं जाऊं लेने के लिए तो मुझे फिर ये ना रहे कि ये छूट गया, ये मिस हो गया, ये ना ले पाई। तो मैंने बस यहाँ पे लिस्ट बनाना रेडी कर लिया है, और ये मेरा काम है, मैं अक्सर लिस्ट बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है वो मैं ब्लॉग को अपना एंड करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज का जो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रेसिपी शेयर की है, और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया है वैक्यूम क्लीनर का, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।